पर्यावरणविदों के भारी विरोध के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और उनके आदेश के बाद खनलगा रिजर्व फॉरेस्ट के पेड़ों को नहीं काटने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि पेयजल निगम ने इस क्षेत्र को छोड़ दिया है और अब माल देवता के पास कनार काटा गांव में जमीन चिन्हित कर ली गई है। दरअसल हाल ही में सोंग बांध की पेयजल परियोजना के लिए खनलगा रिजर्व फॉरेस्ट में पेड़ों पर निशान लगाए गए थे, जिसके बाद पर्यावरणविद विरोध में उतर आए थे। आपको बता दें कि यहां करीब 2000 पेड़ काटे जाने थे। वहीं भारी विरोध के बीच पेयजल निगम ने इस जमीन पर अपना दावा छोड़ दिया है। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब पेयजल निगम ने देहरादून के कनार काटा गांव की जगह चिन्हित कर ली है। बताया जा रहा है कि जल्द ही क्षेत्र में वन भूमि का हस्तांतरण किया जाएगा। वहीं पेयजल निगम के अधिशासी अभियंता दीपक नौटियाल ने बताया कि जल्द ही वन विभाग की मदद से इस स्थान का सर्वे किया जाएगा। ये इसके अभी से फॉरेस्ट का ही सर्वे चल रहा था और पेड़ काटने की कोई बात नहीं थी। तो कुछ ऐसा लगा लोगों को कि भाई 2000 पेड़ कटेंगे, 2500 पेड़ कटेंगे, किंतु सरकार ने ये फैसला लिया लोगों का विरोध देखते हुए कि इसको वहाँ से हटाते हुए स्थल को कोई अन्य स्थान पर चिन्हित किया जाए। तो इस हेतु सर्वे किया गया और कनार काटा गांव में द्वारा गांव के समीप है ये, वहाँ पे इसकी भूमि का सर्वे कराया जा रहा है। उपयुक्त होगी तो उधर पे ही इसको प्रस्तावित किया जाएगा नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को। देखिए, ऐसा है कि हमारे जो लगातार वृक्षारोपण करते हैं वो इसी आधार पे होते हैं कि उसमें हम अवनत क्षेत्र ढूंढते हैं और वनाग्नि भी क्षेत्रों को अवनत करने का एक कारक होती है। इसके अलावा अन्य कारक भी होते हैं और प्रायः हमारे जो वृक्षारोपण हैं ऐसी जगहों पर ही होते हैं जहाँ पर वन अवनत हो गए हैं, चाहे वो वनाग्नि की वजह से हो चाहे वो अन्य कारणों से हो। कई बार लोगों के दबाव से भी अवनत होते हैं या किसी अन्य कारण से भी होते हैं। वैसे खुले क्षेत्र ही हम लोग ढूंढते हैं जहाँ पे हमें एक रिस्टोरेशन का स्कोप दिखाई देता है।